नमस्कार, सेल्फ गाइड चैनल में, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं राजनीति शास्त्र के अगला क्वेश्चन जो है। पिछला क्वेश्चन में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, अब उसके आगे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। ये देखिए, नीचे आप देख रहे हैं नीले रंग से जो हाईलाइट किया हुआ है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और अब उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। अगला क्वेश्चन जो है, 1833 के राजलेख के पूर्व की विधियां विनिमय तथा बाद की विधियां अधिनियम क्या है। मतलब क्या होता है इसमें, 1833 जो राजलेख अधिनियम जो था उस समय, वो उसके पहले की नियम को विधियां कहा गया, विधियां को विनियम कहा गया तथा बाद की विधियां को अधिनियम कहा जाने लगा था। अगला जो है क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले थे जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है, 1853 का राजलेख ने कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों को पृथक करने का कार्य किया था। जो 1853 का राजलेख आया था उस समय ये कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों को पृथक करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन जो है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया, तो इसी राजलेख के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, जैसे आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी समय से ये कर्मचारियों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट कर दिया गया था, वो 1853 के राजलेख के द्वारा। अगला है, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। 1858 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें भारत का शासन कंपनी से ले लिया गया था और इसे ब्रिटिश क्राउन, अब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। अब ऐसा था कि अब यहाँ से भारत में कंपनी से कोई भी शासन नहीं होने लगा, ये डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर से शासन स्टार्ट हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, 1858 का अधिनियम ही है जो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई जाने लगी, और इसी अधिनियम में कंपनी के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम में कंपनी के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो वो अधिनियम 1858 का चार्टर अधिनियम है जिसमें कंपनी के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है उसमें गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1892 ईस्वी का अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 का अधिनियम जो आया उस समय इनडायरेक्टली चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लगभग सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो है 1909 ईस्वी में ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, मतलब कि वो 1909 का जो अधिनियम है वो तब किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार नाम से जाना जाता है, या फिर मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था, वो 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है, 1909 अधिनियम के में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया वो 1909 का अधिनियम के तहत। अगला है, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम है माउंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब लागू हुआ था? तो वो 1919 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जो पहले केंद्र में विधायिका चलती थी उसे अब द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई, अब केंद्र में दो ठो सदन चलने लगते हैं। अगला है क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, कौन थे? लियोनस कार्टियस। ये भी पूछा जाता है कि लियोनस कार्टियस कौन थे, तो वो है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक। अगला क्वेश्चन जो है, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का अंत हुआ? वो है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम भारत सचिव को अधिकार दिया गया, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए भारत सचिव को अधिकार दिया गया, और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया। जो 1935 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे संविधान को आधे से ज्यादा उपबंध 1935 के अधिनियम से लिया गया, हमारा जो संविधान बना है उसमें आधे से ज्यादा उपबंध जो मिलते हैं वो सब 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 ईस्वी में, ये एग्जाम में आता है। जो 18 जुलाई, मतलब कि ये ठीक 14 दिन के बाद इसे स्वीकृति मिल गई इस अधिनियम को, और उस समय जब यह अधिनियम बनी तो 20 धाराएं थी। अगला क्वेश्चन जो है, 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी, तो सबसे पहले भारत में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग किसने किया था? तो वो है कांग्रेस। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अगला जो है, क्रिप्स मिशन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस मांग को स्वीकार किया, तो क्रिप्स मिशन में ही ये ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मांग किया था वो 1942 क्रिप्स मिशन के तहत ही इसे स्वीकार किया गया। अगला है, संविधान सभा में कुल, जिस समय जब संविधान बन रहा था उस समय कुल 389 सदस्य थे। अगला चलते हैं, 3 जून, 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी और किस योजना के अधीन पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, तो वह है 3 जून 1947 की योजना के अधीन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।